आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो हेलो स्टूडेंट, जो आज हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज वेरिएबल इक्विवेलेंट मास। तो देखो, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर या उसको क्या कहते हैं, एन फैक्टर। ठीक है, तो मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता है इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो अब यहाँ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि किसका वेरिएबल है इक्विवेलेंट मास। वेरिएबल मतलब चेंज होता रहता है। ठीक है, तो देखो जो यहाँ पे जो मोलर मास है वो तो मतलब मेटल का कांस्टेंट रहेगा, चेंज क्या हो सकता है, एन फैक्टर। एन फैक्टर से अगर चेंज आएगा तो इक्विवेलेंट मास में भी चेंज आ जाएगा। तो अगर हम लोग देखें कि ये जो हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शंस, ये सब क्या हैं, ये सब है एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स हैं, और जो एलिमेंट्स का एन फैक्टर होता है वो क्या होता है, चार्ज ऑन आयन, ये आयन्स अगर एक से ज्यादा बन रहे हैं तो। ठीक है, जो चार्ज होता है आयन्स पे, उस पे डिपेंड करता है। तो देखो जैसे जिंक है, जिंक किस में एग्जिस्ट करता है, Zn2+ में, Zn1+ में करता नहीं, Zn3+ में करता नहीं। ठीक है, Zn2+ में करता है, तो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा वो होगा m/2। m क्या है, m ऑफ Zn, तो इसको m/2 की जगह लिख दो mZn/2। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है क्योंकि इसका ये तो चेंज हो नहीं रहा है 2+। सिल्वर क्या है, Ag+, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, mAg/1। ठीक है, Ag 2+ में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना, 3+ में। ठीक है, कैल्शियम का क्या है, Ca2+, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, mCa/2। ठीक है, Ca1+ में एग्जिस्ट नहीं करता ना, 3+ में। ठीक है, अब ये आता है हमारा आयरन। आयरन आयरन क्या है, Fe2+ में भी करता है, Fe3+ में भी करता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में Fe+ में भी रहता है, तो इसका इक्विवेलेंट मास m/3, m/2, m/1। ठीक है, ये सब हो सकता है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट मास चेंज हो रहा है ना, वेरिएबल इक्विवेलेंट मास, इसका क्या मतलब हुआ। वेरिएबल इक्विवेलेंट मास का हमारा फिर आंसर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन 4th, आयरन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।